नोटबंदी के बाद देश एक बार फिर कैश की किल्लत से जूझ रहा है। देश के कई राज्यों में कैश की कमी हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों में एटीएम में पैसे खत्म हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से एटीएम में पैसों की कमी की खबरें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पैसे निकालने के लिए एटीएम में कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो उन्हें एटीएम से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं कैश की कमी की खबरों ने सरकार के कान भी खड़े कर दिए हैं। सरकार ने इस किल्लत को दूर करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सरकार के पास 1,25,000 करोड़ रुपए की करेंसी है, लेकिन समस्या इस बात की है कि कुछ राज्यों के पास ज्यादा करेंसी है और कुछ के पास कम। सरकार और रिजर्व बैंक ने राज्यवार कुछ समितियां गठित की हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कैश ट्रांसफर को देखेंगी। ये काम 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल चुनाव के दौरान अक्सर कैश का सर्कुलेशन बाजार में बढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ कर्नाटक में ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहाँ कैश की डिमांड और भी बढ़ गई है। कैश की समस्या को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि बाजार से जानबूझकर 2000 के नोट को गायब किया जा रहा है। इधर बैंकों का कहना है कि कैश की कमी की सबसे बड़ी समस्या जमाखोरी है। लोगों ने बैंकों से पैसे तो निकाले, लेकिन जमा नहीं कराए हैं।